बोलिए, बाबा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैडम, दाना घोटाला का पीछे में जो असली चेड़ा है उसका पता चल गया है। अचान बाबा, नहीं मैडम, उसका भी बॉस है, राज्यपाल गोवर्धन दास। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या सबूत है आपके पास? बड़ा टेढ़ा कहानी है, किंतु हम समझाने का कोशिश करता है। रांची का डीएम मानक गुप्ता मचान बाबा का आदमी है। रिमेम्बर, जब आप उसको सस्पेंड किया था तो गवर्नर ने उसका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया था। फिर जब हम अपना जांच किया तो हमने मचान बाबा का आश्रम का अंदर में गवर्नर का पीए को देखा, जो एक लड़का को पैसा दे रहा था अपना मुंह बंद रखना का बदले में। हमने लड़का से पूछताछ किया तो ये पता चला कि वो बिमला देवी का बेटा है। बिमला देवी का? माने बिमला देवी दाना घोटाले का जो सबसे बड़ा फर्जी सप्लायर है, हुसी फूड कंपनी, उसका मालकिन है। ए देखिए मैडम, बैंक का सारा डिटेल्स, उसका सब रजिस्ट्रेशन और ये फेक बिल्स। परवेश जी, लेकिन बिमला, बीसी फूड्स और गवर्नर का क्या रिलेशन है? माने बिमला देवी लास्ट 15 ईयर्स से गवर्नर के यहाँ कुकिंग का कामकाज देखता था। उसका लड़का ने हमको बताया कि गवर्नर ने अनपढ़ बिमला से कुछ पेपर्स के ऊपर में अंगूठा लगवाया, यही कोई 8 साल पहले में। फिर उसका नाम से एक फर्जी कंपनी खोला, हुसी फूड का नाम का। तब से हर साल पशुपालन विभाग से हुसी फूड के नाम पर करोड़ों का झोलझाल हो रहा है। ये मानक गुप्ता, मचान बाबा सब इसका अंदर में इन्वॉल्व है, किंतु इसका असली मास्टरमाइंड है राज्यपाल गोवर्धन दास। एक मिनट, तो बाबा के आदेश से साहेब पे गोली चलता है और राज्यपाल दाना घोटाला का मुख्य है, ठीक है? और राज्यपाल का पीए बाबा के आश्रम में मिलता है, तो मतलब कि साहेब पे गोली और दाना घोटाला, ये दोनों का तार जुड़ा हुआ है। जी मैडम, हमको भी यही लगता है। साहेब तो आज सुबह ही गवर्नर से मिलने गए थे और वापस आकर आपको मचान बाबा के गिरफ्तारी से रोक गए। क्यों? साहेब अपने पे ही गोली चलाने वाले को काहे गिरफ्तार नहीं करवाएंगे? अब देखिए मैडम, आपके प्रश्नों का उत्तर केवल दो ही जन दे सकता है, या तो भीमा बाबू या फिर रज्जोपाल।